This conference will now be recorded. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. Now can you hear me bache? Assalamu alaikum sir. सर एक्चुअली मैंने एक दो चीज़ें पूछनी थी. ये जो कंपैरिजन बिटवीन कार्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल यूटिलिटी है ना, ये काइंडली दोबारा रिपीट कर दीजिएगा प्लीज. ये कल समझ नहीं आई थी इसकी मुझे थोड़ी सी. मैंने आपको कल कहा था कि अब ये टॉपिक मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह जब चैप्टर मुकम्मल हो जाएगा मैं दोनों थेरीज पढ़ा दूंगा, फिर मैं इंशाल्लाह रिवाइज करवा दूंगा. बल्कि मैंने कल जब चैप्टर दोबारा स्टार्ट किया, मैंने ईद से पहले ये चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, उससे पहले मैंने समझाया था, बिल्कुल आप लोगों को समझाया था, आप ठीक कह रहे हैं. लेकिन जब कल चैप्टर मैंने दोबारा स्टार्ट किया ना, तो मैंने आप लोगों से कहा है, कल मैंने नहीं पढ़ाया, मैंने कहा मैं इंशाल्लाह इस टॉपिक को आप लोगों के साथ जब कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल दोनों अप्रोचेस मुकम्मल पढ़ा दूंगा तो ये क्वेश्चन मैं आपके साथ तब डिस्कस कर दूंगा, तब आपके लिए समझना ज्यादा आसान हो जाएगा. ठीक है. अगला क्वेश्चन क्या आपका? सर मैंने कहना था जो हमेशा जो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी है वो हमेशा इक्वल, यानी कि 2020 से या 00 से जो भी हम डिजिट होगी हमेशा सेम नंबर से डिजिट से स्टार्ट होगी. जी ये जीरो से तो नहीं स्टार्ट होगी, लेकिन जो इनिशियल यूटिलिटी है फर्स्ट यूनिट पे इनिशियल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी इक्वल होगी. ठीक है सर. थैंक यू सर. कोई मसला नहीं बच्चे. जज़ाकुमुल्लाह खैर. अच्छा बच्चे, हमने टॉपिक स्टार्ट करना है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. दैट इज आवर सेकंड टॉपिक ऑफ मार्शलियन अप्रोच. फर्स्ट वन दैट वी हैव डिस्कस इन आवर लास्ट सेशन, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी. एंड आई थिंक आप सब लोगों को इसमें अब कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप सब लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट भी बहुत ही सिंपल और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है. इसमें हमें इस स्टेज पे जो बातें पढ़नी है वो अभी तीन बातें पढ़नी है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. पहली बात हमने क्या पढ़नी है इस स्टेज पे, पहले बच्चे सबसे पहले नंबर पे हम पढ़ेंगे फर्स्ट वन पे इसका कॉन्सेप्ट. टेबल और डायग्राम की मदद से हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे बड़े अच्छे से. हम इस कॉन्सेप्ट को टेबल और डायग्राम की मदद से समझेंगे. सेकेंड वन स्टेप में बचे हमें अजम्पशंस डिस्कस करनी. थर्ड वन में बचे हम डिस्कस करेंगे लिमिटेशंस. और सबसे लास्ट पे बच्चे हम डिस्कस करेंगे इसकी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस. ठीक हो गया जी बच्चे. तो बच्चे हमें ये कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है किस तरह से,
हमें सबसे पहले बच्चे डिस्कस करना है ये कॉन्सेप्ट क्या है टेबल और डायग्राम की मदद से। फिर बच्चे नेक्स्ट हमें डिस्कस करनी है इसकी अजम्पशंस, लिमिटेशंस और इसकी प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस। ठीक हो गया जी बच्चे? तो बच्चे हम स्टार्ट कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चे ये एक क्वेश्चन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के सब टॉपिक्स है। आपसे एग्जामिनर इसका स्पेसिफिक एरिया जैसे फर्स्ट वन आपसे वो कह सकता है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है टेबल और डायग्राम की मदद से बताओ। या ऐसा भी हो सकता है वो सिर्फ आपसे अजम्पशंस पूछ ले या सिर्फ लिमिटेशंस पूछ ले। जब हम पास्ट पर्पस के क्वेश्चंस को डिस्कस करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि एग्जामिनर ने इन क्वेश्चंस को सेपरेट सेपरेट पूछा होगा। ये सिर्फ एक ही पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं है कि अगर वो एग्जामिनर हमें कहे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट समझाओ तो हम शुरू हो जाएंगे। पहले हम अजम्पशन भी लिखेंगे, लिमिटेशन भी लिखेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट भी लिखेंगे और फिर उसकी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस भी। ऐसा नहीं है। एग्जामिनर हमसे जो एरिया पूछेगा, जो कॉन्सेप्ट पूछेगा, हम उसको उतना ही समझाएंगे उसको। ठीक है जी बच्चे? जज़ाकुम अल्लाह खैर। अच्छा बच्चे सबसे पहले हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट समझते हैं। अच्छा बच्चे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का जब आपने टॉपिक स्टार्ट करना है इसके टॉपिक में बच्चे इसके स्टेप्स बना लीजिएगा, भूलेगा नहीं। सबसे पहले आपने इसकी स्टेटमेंट लिखनी है। फिर इसका टेबल, इसकी डायग्राम बनानी है बच्चे आपने और सबसे लास्ट पे बच्चे इसकी एक्सप्लेनेशन। ठीक हो गया ना बच्चे? आपको इसके लिए हेडिंग लिखने की जरूरत तो नहीं है, आपने जस्ट स्टेटमेंट स्टार्ट कर देनी है। तो हम स्टेटमेंट डिस्कस करते हैं बच्चे। द एडिशनल बेनिफिट which a person derive from a given increase of his stock diminishes with every increase in stock that he already है। अब ये स्टेटमेंट डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल की है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के हवाले से। अब इस स्टेटमेंट को समझने के लिए हम पहले टेबल बना लेते हैं, हमें बड़ी अच्छे से समझ में आ जाएगी ये स्टेटमेंट क्या कहना चाह रही है। अच्छा बच्चे जब हम टेबल बनाते थे तो सबसे पहले हमने यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी लिए, एग्जैक्टली वही टेबल हम बना लेते हैं। फिर नेक्स्ट बच्चे टोटल यूटिलिटी। जी बच्चे मैं अभी अभी आपको शो करवाता हूं, सिर्फ दो मिनट दीजिएगा मैं अभी शो करवाता हूं। और बच्चे मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी के लिए बच्चे हम एब्रीवेशन यूज कर सकते हैं टीयू,
और मार्जिनल यूटिलिटी के लिए बच्चे MU। जी बच्चे, वालेकुम अस्सलाम सर। सलाम। जैसे बच्चे हमने टेबल लास्ट टाइम बनाया था वैसे ही बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 यूनिट्स हमने अज्यूम किए थे। कोई भी कमोडिटी अज्यूम कर लेते हैं बच्चे। लेट्स सपोज एप्पल की एग्जांपल लेंगे तो एप्पल, आप इसी तरह से जूस की एग्जांपल भी ले सकते हैं, कप ऑफ टी, कॉफी, कोई भी एक कमोडिटी अज्यूम कर ली हमने। उस कमोडिटी के ये यूनिट्स हैं, फर्स्ट यूनिट ऑफ एप्पल, सेकंड यूनिट ऑफ एप्पल, थर्ड यूनिट, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन। अच्छा बच्चे, फर्स्ट यूनिट ऑफ एप्पल कंज्यूम करने से यूटिलिटी मिली 20। इनिशियल यूटिलिटी के केस में आपको पता है टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी के इक्वल होगी, तो टोटल यूटिलिटी भी बच्चे 20 ही है। अब जैसे जैसे हम कंजम्पशन बढ़ाते जा रहे हैं, अब इसके लिए मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल डिस्कस करने वाला हूं, जरा गौर से सुनिएगा। एक कंज्यूमर है, उसने एक एप्पल कंज्यूम किया, उसको यूटिलिटी मिली 20। लेट मी रिपीट अगेन, बच्चे गौर से सुन लीजिएगा। एप्पल का फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करने से कंज्यूमर गॉट 20 यूटिल्स ऑफ यूटिलिटी। एक एप्पल का यूनिट कंज्यूम करने से कंज्यूमर को 20 यूटिल्स यूटिलिटी मिली। अगर कंज्यूमर सेकंड यूनिट कंज्यूम करे कमोडिटी का, सेकंड यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, ये उसके लिए एडिशनल यूनिट हो जाएगा। एक यूनिट उसने ऑलरेडी कंज्यूम किया हुआ है, अब अगर वो एक और यूनिट कंज्यूम करेगा तो वो सेकंड यूनिट हो जाएगा। अब वो सेकंड यूनिट ऑफ अ कमोडिटी एप्पल, सेकंड एप्पल कंज्यूम करे, अगर वो सेकंड एप्पल कंज्यूम करे तो उसको सेकंड एप्पल की कंजम्पशन से यूटिलिटी मिल रही है। लेट्स सपोज हम अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे उसको यूटिलिटी मिल रही है 16। अब ये एडिशनल बेनिफिट है, उसको पहले बेनिफिट मिला था 20 का, जो एडिशनल बेनिफिट मिला है वो कितने का मिला है? 16, सेकेंड यूनिट एडिशनल यूनिट के कंज्यूम करने से। पहला यूनिट उसने कंज्यूम किया हुआ है, जैसे ही उसने एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम किया, सेकंड वन यूनिट कंज्यूम किया, सेकंड वन यूनिट की कंजम्पशन से जो उसको फर्दर बेनिफिट मिला वो 16 का मिला, ये एडिशनल बेनिफिट कहलाता है। अच्छा, अब ये जो एडिशनल बेनिफिट है वो पहले से कंज्यूम जो उसने यूनिट्स किए हुए हैं उनसे हासिल होने वाले बेनिफिट की निस्बत कम होगा। ये आम रूटीन है, हम खाना खाने लगते हैं, हमें जब खाना शुरू करते हैं तो पहले पहली ब्रेड पे हमें ज्यादा फायदा मिल रहा होता है। जैसे जैसे हमारा पेट फिल हो रहा होता है, हमारी भूख खत्म हो रही होती है, यूटिलिटी बेनिफिट का लेवल कम होना शुरू हो जाता है। आपको प्यास लगी है, आपने एक ग्लास जूस का पिया, तो पहले ग्लास जूस के पीने से आपको बेनिफिट ज्यादा मिला, दूसरे ग्लास से मिलेगा बेनिफिट लेकिन पहले ग्लास की निस्बत कम, थर्ड ग्लास पे और कम हो जाएगा, और आहिस्ता आहिस्ता ये बेनिफिट, ये यूटिलिटी कम होती जाएगी। ठीक हो गया ना बच्चे? तो अब इसके बाद बच्चे नेक्स्ट पे 12, 8, 4, 0,
डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने कहा, एक वक्त आएगा जब आपका पेट मुकम्मल तौर पे भर जाएगा, फिल हो जाएगा, अब आपको फर्दर फूड की या प्यास आपको नहीं है, आपको फर्दर जरूरत नहीं है, तो फिर क्या होगा बच्चे इस सिचुएशन में? यूटिलिटी का लेवल जीरो हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो गया बच्चे इस जी एहसन शाह साहब जी, इसके बाद भी बच्चे अगर आपने कंजम्पशन कर डाली तो ओवर ईटिंग हो जाएगी, अब आपको फायदा नहीं मिलेगा, उल्टा नुकसान होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना बच्चे? तो अगर आप कंजम्पशन कंटिन्यूअसली करते जाएंगे तो हर अगले यूनिट की कंजम्पशन से हासिल होने वाली यूटिलिटी, फायदा पहले से इस्तेमाल शुदा यूनिट से हासिल होने वाले बेनिफिट की निस्बत कम होगा। क्लियर है ना बात? तो बच्चे ये था कॉन्सेप्ट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का। अच्छा बच्चे, अब टोटल यूटिलिटी, फर्स्ट वन यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी सेम होगी, सेकेंड वन पे बच्चे 20 प्लस 16 36, नेक्स्ट वन बच्चे 48 56 60 60 अगेन 60 और लास्ट वन बच्चे 56। जी बच्चे बात क्लियर हो गई है? अब इसकी स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं, अब हमें स्टेटमेंट समझ में आ जाएगी। स्टेटमेंट क्या है बच्चे? द एडिशनल बेनिफिट। एडिशनल बेनिफिट क्या हमने अज्यूम किया? 16, ये एडिशनल बेनिफिट है। ये एडिशनल बेनिफिट कैसे? जो एक पर्सन डिराइव करेगा, हासिल करेगा इंक्रीज करने से अपने स्टॉक की कंजम्पशन को। पहले उसने एप्पल कंज्यूम किया एक, अब उसने सेकंड वन एप्पल भी कंज्यूम कर डाला, अब अपना स्टॉक इंक्रीज करने से जो उसे एडिशनल बेनिफिट मिला, वो एडिशनल बेनिफिट पहले से इस्तेमाल शुदा यूनिट की कंजम्पशन से हासिल होने वाले बेनिफिट की निस्बत कम होगा, डिक्रीज करेगा, डिमिनिश करेगा। ठीक हो गया ना बच्चे? तो ये है द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज ऑफ हिज स्टॉक डिमिनिशेस डिक्रीज विद एवरी इंक्रीज इन स्टॉक। जैसे जैसे ये कंजम्पशन बढ़ाता जाएगा, हर अगले यूनिट से इसको हासिल होने वाली यूटिलिटी पिछले यूनिट की निस्बत कम होगी। ठीक है जी बच्चे? जी बच्चे, अब स्टेटमेंट समझ में आ गई है? किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन? अस्सलाम वालेकुम सर। जी बच्चे, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर जिस टाइम लास्ट टाइम था, व्हाई द डिमांड कर्व इज स्लोपिंग डाउनवर्ड्स डाउनवर्ड स्लोपिंग, इसमें भी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी था। तो उसमें ये था कि कंज्यूमर विल बाय द नेक्स्ट यूनिट ओनली इफ द प्राइस ऑफ दोज यूनिट इज रिड्यूस्ड, उसमें ये था। मैं इसमें ये कॉन्सेप्ट यही आपको समझा दूं, एक मिनट सर बच्चे, मैं ये कॉन्सेप्ट आपको मुकम्मल समझा दूं, फिर उसके बाद वो मुझे पॉइंट माइंड में है और वो मैं समझाता होता हूँ, मैं इंशाल्लाह उसके बाद आपको वो पॉइंट भी समझाऊंगा, ठीक है? उसका रिलेशनशिप इसके साथ कैसे है वो मैं इंशाल्लाह डिटेल समझाऊंगा, लेकिन पहले आप ये इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लें। ये जो कॉन्सेप्ट जितना मैंने आपको समझाया ये बात आपको समझ में आ गई, क्योंकि उसकी अजम्पशंस भी हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की अजम्पशंस भी अगर हम मुकम्मल पढ़ लें और लिमिटेशंस भी पढ़ लें, फिर हमारे लिए वो पॉइंट समझना आसान हो जाएगा, ठीक है? जी बच्चे, जी ठीक हो गया, जजाकुमुल्लाह खैर सर। सेकंड एप्पल है असद अली, बिल्कुल ठीक कहा आपने, सेकंड वन एप्पल है, ये टू एप्पल्स क्यूमुलेटिव नहीं हो जाएंगे, सेकंड यूनिट। देखिए मैंने ऊपर वर्ड क्या लिखा हुआ है, यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, तो ये बचे सेकंड यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, थर्ड यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, फोर्थ यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है जी बच्चे? ये यूनिट्स की बात कर रहे हैं जी। किसी और बच्चे को कोई कंफ्यूजन बच्चे? डिमिनिश का मतलब है यूटिलिटी देखें कम होती जा रही है, पहले यूनिट पे यूटिलिटी हमें 20 मिल रही है, फिर सेकंड यूनिट पे यूटिलिटी 16 मिल रही है, थर्ड यूनिट पे यूटिलिटी 12 मिल रही है। इसके मैंने एग्जांपल दी है कि आप खाने की टेबल पे बैठ के खाना खा रहे हैं और आपने खाना खाना शुरू किया, पहली ब्रेड पे आपको बेनिफिट सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिली, सेकंड ब्रेड पे सेटिस्फेक्शन कम मिली, थर्ड वन पे उससे कम मिली,
जब आप मुकम्मल तौर पे सैर हो गए, फिर उसके बाद आपको फर्दर फूड की जरूरत नहीं है। अब आपकी यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन, अगर आप कंजम्पशन कर भी लेते हैं तो एक स्टेज आएगी, अजम्पशन जीरो हो जाएगी, बेनिफिट कंजम्पशन से जो आपको बेनिफिट मिलेगा वो जीरो मिलेगा, और आप वहीं पे कंजम्पशन स्टॉप कर डालेंगे। और अगर आपने कंजम्पशन ना रोकी तो अब आपको फायदा नहीं मिलेगा, बल्कि उल्टा नुकसान होना शुरू हो जाएगा, डिस यूटिलिटी, नेगेटिव यूटिलिटी मिलेगी। जी बच्चे, हो गई बच्चे बात क्लियर? और किसी बच्चे को, बच्चे कोई कुछ कंफ्यूजन है? जी, हम इसकी डायग्राम बनाते हैं बच्चे। एक्स एक्सिस ओरिजिन पॉइंट, वाई एक्सिस। बच्चे वाई एक्सिस के अलोंग हम मेजर करते हैं यूटिलिटी, और इसमें सिर्फ मार्जिनल यूटिलिटी, और एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। फर्स्ट, सेकेंड यूनिट, थर्ड वन यूनिट, फोर्थ वन यूनिट, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड लास्ट वन, सेवेंथ वन यूनिट, यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। अच्छा बच्चे, अब यूटिलिटी, फोर एट 12, 16 एंड 20। इसमें टोटल यूटिलिटी का कर्व आपने नहीं बनाना, एग्जामिनर ने एक दफा क्वेश्चन पूछा और बच्चों ने टोटल यूटिलिटी का कर्व भी बना दिया। एग्जामिनर ने इस पे नेगेटिव कमेंट्स किए, कहा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के केस में टोटल यूटिलिटी का कर्व बनाने की तो जरूरत ही नहीं थी, टोटल यूटिलिटी का कर्व तो मैंने पूछा ही नहीं था आपसे, तो आपने क्यों बनाया। तो बच्चे ये याद रखिएगा, इस सिचुएशन में हमें टोटल यूटिलिटी का कर्व नहीं बनाना, हमें सिर्फ किसका कर्व बनाना है बच्चे, मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व बनाना। ठीक हो गया ना बच्चे, हमें किसका कर्व बनाना है, सिर्फ बच्चे मार्जिनल यूटिलिटी का ही कर्व बनाना से। तो बच्चे हम स्टार्ट करते हैं कर्व बनाना। जी बच्चे, बच्चे फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करने से हासिल होने वाली मार्जिनल यूटिलिटी बच्चे 20। अच्छा, सेकेंड यूनिट कंज्यूम करने से हासिल होने वाली मार्जिनल यूटिलिटी 16। बच्चे थर्ड यूनिट पे 12, फोर्थ यूनिट पे बच्चे 8, फिफ्थ वन पे बच्चे 4, सिक्स वन पे 0, सेवेंथ वन नेगेटिव यूटिलिटी -4। अब हमें पॉइंट्स टू पॉइंट्स मिलाना है, क्या करना है, पॉइंट्स टू पॉइंट्स मिलाना है। ये बच्चे कब बन गया, मार्जिनल यूटिलिटी का कब। पॉइंट ए बी सी डी ई एफ और लास्ट वन पॉइंट है बच्चे जी। अब इसकी स्लोप क्या है, नेगेटिव स्लोप।
जैसे जैसे एक कंज्यूमर कंजम्पशन करता जा रहा है, जैसे जैसे एक कंज्यूमर कंजम्पशन करता जा रहा है, हर अगले यूनिट की कंजम्पशन से उसको सेटिस्फेक्शन पहले से कंज्यूम की हुई यूनिट्स की निस्बत कम मिलती जा रही है। देखें इसको हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे, हम कहेंगे ए पॉइंट, जब कंज्यूमर ने फर्स्ट यूनिट कमोडिटी का कंज्यूम किया उसे सेटिस्फेक्शन मिल रही है बच्चे 20। पॉइंट बी पे जब उसने एडिशनल यूनिट कंज्यूम किया, सेकेंड वन यूनिट कंज्यूम किया, उसे यूटिलिटी मिली 16, जो कि पहले से कंज्यूम करता यूनिट्स की यूटिलिटी के निस्बत कम है। पहले कितनी यूटिलिटी मिली थी 20, अब कितनी मिली 16, इसका मतलब कम है ना। अच्छा बच्चे थर्ड यूनिट कंज्यूम किया, एडिशनल बेनिफिट कितना मिला 12, जो कि 20 और 16 से भी कम है। तो इसी तरह से एंड सो ऑन, जब कंज्यूमर कंजम्पशन करता जाता है तो एक पॉइंट आता है कि उसे अब फर्दर सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो गई है एफ पॉइंट पे। इसके बाद भी अगर उसने फर्दर कंजम्पशन की तो उसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, यूटिलिटी नहीं मिलेगी, बल्कि उसे डिस यूटिलिटी, नेगेटिव यूटिलिटी मिल जाएगी। हो गया जी बच्चे क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो एक्सप्लेनेशन बच्चे समझ आ गई है, मैं समझा पाया हूँ आपको, ठीक है जी बच्चे। ये कॉन्सेप्ट बच्चे मैं ओपन करने वाला हूँ चैप्टर 4 हैंडआउट से, मैं ओपन कर रहा हूँ, आपने इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना, इसकी रीडिंग कर लेनी है। कीजिएगा बच्चे सबसे पहले ये दोनों पैराग्राफ, 2.2 के दोनों पैराग्राफ अच्छे से पढ़िएगा। जी बिल्कुल, कमोडिटी एप्पल कमोडिटी है, आप यूज कर सकते हो। जी बच्चे पढ़ लिया आप लोगों ने बच्चे ये डायग्राम और इसके एक्सप्लेनेशन पढ़िएगा बच्चे। जी बच्चे अबव डायग्राम में मार्जिनल यूटिलिटी को वाई एक्सिस के अलोंग मेजर किया गया और यूनिट्स को एक्स एक्सिस के अलोंग। पहला सेंटेंस आपने ये लिखना है, इसको ये जो पैराग्राफ होती है ना एक्सप्लेनेशन की, इसको कोशिश किया करें सेंटेंस स्ट्रक्चर में लिखा करें।
बड़ी आसानी से लिख पाएंगे आप, मुश्किल नहीं होगी। अच्छा, आप सेकंड में क्या कहेंगे? मार्जिनल यूटिलिटी के कर्व की स्लोप डाउनवर्ड है, नेगेटिवली स्लोप है, ये सेकंड वन आपका सेंटेंस बन जाएगा। ये देखिए, ये फर्स्ट सेंटेंस, ये सेकंड सेंटेंस, आपको बात याद भी रह गई। आपने पहले एक्सप्लेनेशन करनी है डायग्राम की, डायग्राम की एक्सप्लेनेशन करते हुए आपने बताया कि मैं वाई एक्सिस के अलोंग किसको मेजर कर रहा हूँ और एक्स एक्सिस के अलोंग किसको मेजर कर रहा हूँ। पहला काम हो गया मुकम्मल। दूसरा, आपने ये कहा कि मार्जिनल यूटिलिटी का जो ये कर्व बना हुआ है, इसकी स्लोप नेगेटिव स्लोप है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है ये। ऐसी स्लोप जो लेफ्ट टू राइट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव करे, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है, ये भी बात आपने बता दी। अच्छा, थर्ड वन स्टेप में आपने क्या कहा? आपने कहा मार्जिनल यूटिलिटी मुसलसल इस्तेमाल से कम हो रही है, ए पॉइंट से ई पॉइंट तक ये शो करवाया हुआ, ये देखिए। फिर इसके बाद ये एक्स एक्सिस के साथ टच कर रही है सिक्स्थ यूनिट पे, जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो गई है। जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाए, इस पॉइंट पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है, ये पॉइंट ऑफ सैचुरिटी होता है। अगर इसके बाद भी फर्दर कंजम्पशन हुई, जैसा कि जी पॉइंट पे शो करवाया होगा, तो क्या हो जाएगी? मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगी। ठीक हो गया जी बच्चे? तो अब क्या पता चला कि मार्जिनल यूटिलिटी का यूनिट्स के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर यूनिट्स कंजम्पशन बढ़ेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाएगी, तभी तो ये स्लोप डाउनवर्ड स्लोपिंग बनती है, नेगेटिव स्लोप बनती है। लेफ्ट टू राइट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, लेफ्ट से राइट हम जा रहे हैं, और डायरेक्शन क्या होती जा रही है हमारी? ये होती जा रही है। इसका मतलब एक वेरिएबल बढ़ रहा है, दूसरा वेरिएबल कम होता जा रहा है। ठीक है जी बच्चे, आप लोगों को बात की समझा पाया हूं मैं? कोई कंफ्यूजन? जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चे, अब अजम्पशंस हम लोग पढ़ लेते हैं, अजम्पशंस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की अजम्पशंस डिस्कस करते हैं। पहली अजम्पशन, रैशनैलिटी। रैशनैलिटी का मतलब होता है कि हर कंज्यूमर की कोशिश होती है कि वो कम से कम कॉस्ट पे ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हासिल करे, कम से कम एक्सपेंसेस पे वो मैक्सिमम बेनिफिट, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, यूटिलिटी हासिल करे। कंज्यूमर का ये बिहेवियर रैशनल बिहेवियर कहलाता है, इसको रैशनैलिटी भी कहते हैं। तो पहला पॉइंट, कंज्यूमर इज रैशनल, इट मींस कंज्यूमर वॉन्ट्स टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आउट ऑफ हिज लिमिटेड रिसोर्सेस। ठीक है जी बच्चे, पहला पॉइंट क्लियर हो गया, कंज्यूमर इज रैशनल एंड ही वॉन्ट्स टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आउट ऑफ हिज लिमिटेड रिसोर्सेस। अच्छा, सेकेंड वन पॉइंट, अप्रोच कौन सी है ये बच्चे? कार्डिनल अप्रोच। व्हाट डज इट मीन कार्डिनल अप्रोच? इट मीन्स यूटिलिटी, सेटिस्फेक्शन, हैप्पीनेस कैन बी मेजरेबल क्वांटिटेटिवली, वी कैन एक्सप्रेस यूटिलिटी न्यूमेरिकली, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस की फॉर्म में हम यूटिलिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं, नंबर्स की फॉर्म में यूटिलिटी को एक्सप्रेस, सेटिस्फेक्शन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो सेकेंड वन हमने बता दिया कि कार्डिनल मेजरमेंट है, अप्रोच कार्डिनल है। तो दोनों बातें क्लियर हो गई। पहली बात बच्चे, कंज्यूमर रैशनल है, वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हासिल करना चाहता है अपने कम महदूद जराए से, महदूद रिसोर्सेज से। और दूसरी बात, यूटिलिटी को न्यूमेरिकली, मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया जा सकता है, नंबर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। अच्छा बच्चे, थर्ड वन पॉइंट, कंटिन्यूअस कंजम्पशन। ये कानून सिर्फ तभी एप्लीकेबल होगा अगर एक कंज्यूमर मुसलसल लगातार कंजम्पशन करे, तो ये कानून एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज ये कानून एप्लीकेबल नहीं होगा। थर्ड वन कौन सा? कंटिन्यूअस कंजम्पशन। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एक कंज्यूमर जूस के ग्लास पी रहा है और उसमें गैप आ जाए, उसने एक जूस का ग्लास पिया
बाजार गया, कोई साजो सामान खरीद के लेके आया, घर वापस आया और फिर आगे जूस पिया। गर्मी का इतना मौसम, और जब वो बाहर बाजार गया गर्मी में और वापस आया और उसके बाद घर आके उसने ग्लास ऑफ जूस इंजॉय किया, शायद इससे यूटिलिटी कम होने की बजाय यूटिलिटी बढ़ जाए, क्योंकि पहले वो घर में बैठा हुआ था, कंफर्टेबल फॉर्म में था, उसको शायद इतनी सेटिस्फेक्शन ना मिले। जब वो बाजार से होके आया, एनर्जी लेवल कम हो गया, उसको गर्मी लग रही थी, उसने अब जो ग्लास ऑफ जूस कंज्यूम किया उससे उसे यूटिलिटी ज्यादा मिले पहले की निस्बत। तो यहाँ पे अजम्पशन क्या है? अजम्पशन ये है कि कंटिन्यूअस कंजम्पशन होनी चाहिए, कंजम्पशन में गैप नहीं होना चाहिए। अगर गैप आ गया तो यूटिलिटी कम नहीं होगी बल्कि यूटिलिटी बढ़ जाएगी। तो हमारी अजम्पशन क्या है कि कोई गैप नहीं होना चाहिए, तो ये याद रखिएगा, एनी गैप इन बिटवीन। ये पॉइंट पढ़ ले बच्चे, पढ़ लीजिएगा जल्दी से। जी बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट। होमोजीनियस यूनिट्स, बच्चे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एप्लीकेबल सिर्फ तभी हो पाएगा अगर हर यूनिट उसकी क्वालिटी सेम हो। अगर यूनिट्स की क्वालिटी सेम नहीं है तो फिर सेटिस्फेक्शन शायद कम होने की बजाय बढ़ जाए, लॉ एप्लीकेबल ना हो पाए। मैं अभी वही एग्जांपल जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, अगर एक कंज्यूमर ग्लास ऑफ जूस, दो ग्लास हैं जूस के, पहला ग्लास जूस का पिया उसे यूटिलिटी मिली, सेकंड ग्लास पे यूटिलिटी बढ़ गई। रीजन क्या थी? पहले ग्लास जूस का इतना ज्यादा ठंडा नहीं था, दूसरा ग्लास जूस का ज्यादा ठंडा था। इसी तरह से कप ऑफ टी की हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि पहली कप ऑफ टी में, पहला जो कप ऑफ टी था उसमें बच्चे वो ज्यादा गर्म नहीं था, दूसरा कप गर्म था, तो चाय गर्म वो ज्यादा यूटिलिटी प्रोवाइड करेगी। इसी तरह से आपके हैंडआउट्स में एक एग्जाम्पल कोट की है कि आइसक्रीम जिसमें नट्स वगैरह नहीं है पहली, और दूसरे यूनिट्स में नट्स भी हैं, जिसमें नट्स हैं उसकी यूटिलिटी ज्यादा है और जो विदाउट नट्स है उसकी यूटिलिटी कम है। अब लॉ तो कह रहा था कि यूटिलिटी कम होनी चाहिए, यहां पे तो यूटिलिटी कम नहीं हो रही, बढ़ रही है। वो क्यों हो रही है? क्योंकि दोनों यूनिट्स की क्वालिटी सेम नहीं है। तो हमारी अजम्पशन क्या है? ये लॉ सिर्फ उसी सिचुएशन में, उन्हीं हालात में एप्लीकेबल हो पाएगा जब दोनों यूनिट्स की क्वालिटी या दोनों यूनिट्स बिल्कुल सिमिलर हो। पढ़िएगा बच्चे क्वालिटी के कॉन्सेप्ट को, ये नट्स की एग्जांपल जो मैंने भी आपके साथ डिस्कस किया। जी बच्चे नेक्स्ट, पहले सिक्स पॉइंट बच्चे समझिएगा। कंज्यूमर का टेस्ट और फैशन चेंज नहीं होना चाहिए। अगर तो टेस्ट और फैशन चेंज हो जाए तो फिर यूटिलिटी कम नहीं होती, यूटिलिटी बढ़ जाती है। तो क्या नहीं चेंज होना चाहिए? टेस्ट भी चेंज नहीं होना चाहिए कंज्यूमर का और फैशन भी चेंज ना हो। सही होगा जी बच्चे, ये भी अजम्पशन है। अच्छा, अब ये अजम्पशन, ये कॉन्सेप्ट जरा समझना है इनकम का। अच्छा बच्चे, हम बाजार से कोई चीज खरीदते, एक पर्सन बाजार जाता है और कोई चीज खरीदता है, जैसे मोबाइल फोन। 10,000 रुपीज का मोबाइल फोन है, वो बाजार गया, उसने जाके मोबाइल खरीदा। अब मोबाइल वो खरीद रहा है और उसके बदले में पैसे पे कर रहा है। जो वो पैसे दे रहा है उस पैसों की भी यूटिलिटी है, और जो मोबाइल खरीद रहा है उसकी भी यूटिलिटी है। अगर उसको यूटिलिटी मोबाइल से उन पैसों के बदले में ज्यादा मिले,
तो तब वो मोबाइल खरीदेगा, अदरवाइज वो मोबाइल बाय नहीं करेगा। ठीक है ना बच्चे? मोबाइल, मोबाइल फोन, उसकी भी यूटिलिटी, और जो पैसे मौजूद हैं उसकी भी यूटिलिटी है आपके पास। पैसों की यूटिलिटी अगर कम हो और मोबाइल की यूटिलिटी ज्यादा हो, या कम से कम इसके इक्वल हो, तो तभी ये परचेजिंग हो पाएगी, अदरवाइज तो नहीं हो पाएगी। अगर हमें लग रहा है कि हम जो पैसे दे रहे हैं उनकी यूटिलिटी ज्यादा है और जो चीज हम खरीद रहे हैं उसकी यूटिलिटी कम है, तो हम क्यों खरीदें? इससे तो हमारी सेटिस्फेक्शन कम हो रही है, हम तो ज्यादा कीमत दे रहे हैं, वो प्रोडक्ट इतनी कीमत की नहीं है। ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का, जिसकी वजह से डिमांड कर्व की स्लोप नेगेटिव होती है। कि हम हर वो प्रोडक्ट जो खरीदते हैं उसकी भी यूटिलिटी है, और उसके बदले में जो हम प्राइस पे करते हैं उसकी भी यूटिलिटी है। अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाती है तो हमें लगता है कि पैसों की यूटिलिटी अब ज्यादा है, उस प्रोडक्ट से हमें यूटिलिटी कम मिलेगी, उसकी कीमत इतनी नहीं होनी चाहिए, हम कंजम्पशन डिमांड कम कर देते। ये था बेसिकली लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट, जिसकी वजह से हम कहते थे कि लॉ ऑफ डिमांड की स्लोप नेगेटिव होती है। अच्छा अब बच्चे, इनकम के बढ़ने से जब आपके पास किसी चीज की मिकदार बढ़ जाएगी, उसकी यूटिलिटी, सेटिस्फेक्शन लेवल कम होगा। ठीक है ना? पैसे अगर आपके पास कम है तो आप बड़ा सोच समझ के, बड़ी सोच विचार के साथ खर्च करेंगे। लेकिन अगर आपके पास पैसे काफी ज्यादा है, काफी पैसों की मिकदार आपके पास ज्यादा है, तो आपको तब इतना ज्यादा सोचो विचार करने की जरूरत नहीं है, आप बिला दरेक उनको खर्च करते जाओगे। ठीक हो गया ना बच्चे? तो इस सिचुएशन में क्या है, हमने कहा कि ये इस सिचुएशन में तो अगर इनकम बढ़ जाती है, पैसों की तादाद बढ़ जाती है, तो शायद लॉ एप्लीकेबल ही ना हो पाए। हमें लग रहा है कि अब पैसे हमारे पास ज्यादा मिकदार में आ गए, अब पैसों की यूटिलिटी हमारे लिए कम है और चीजों की यूटिलिटी हमारे लिए बढ़ गई है, तो अब क्या होगा? अब यूटिलिटी कम नहीं होगी बल्कि बढ़ जाएगी जब हम कंजम्पशन करेंगे। तो ये अजम्पशन ये है कि भाई इनकम में चेंज ना आए, पैसों की तादाद भी चेंज ना हो, तो कांस्टेंट इनकम रहे, तो तभी ये लॉ अप्लाई होगा, अदरवाइज ये लॉ अप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। बच्चे यहां तक बच्चे बात क्लियर हो गई है? पढ़िएगा ये दोनों बातें, जरा पढ़ लें एक दफा। बच्चे 6.1 ये है कि कंज्यूमर का टेस्ट और फैशन सेम रहना चाहिए। देखिए ना, फैशन चेंज हो जाए तो फैशन के चेंज होने से जब हम फैशन अडॉप्ट करेंगे तो उसके लिए हमारी यूटिलिटी कम नहीं होगी बल्कि यूटिलिटी बढ़ती जाएगी, हमें सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलेगी फैशन अडॉप्ट करने से। और आपको ये याद होगा हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन, सॉरी लॉ ऑफ डिमांड की लिमिटेशन में भी ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। जहां तक सवाल रहा कॉन्स्टेंट इनकम का, वो मैं आपको ये बता रहा हूं कि देखिए बच्चे, अगर हमारे पास मैं दोबारा कर रहा हूं बच्चे, रिपीट कर रहा हूं, बिल्कुल सही, मैं रिपीट कर देता हूं बच्चे। बच्चे पैसे जो इनकम है हमारी, अगर हमारी इनकम बढ़ जाती है, हमारी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, खरीदने की ताकत बढ़ जाएगी, तो हम कंजम्पशन ज्यादा करेंगे या कम करेंगे? इस चीज का मुझे जवाब दीजिएगा। अगर हमारा इनकम लेवल बढ़ जाए, ज्यादा करेंगे, बिल्कुल, बाकी सब लोगों को भी बात समझ में आई है, बिल्कुल ज्यादा करेंगे। ठीक हो गया जी, ज्यादा करेंगे। ज्यादा क्यों करेंगे? ऐसा कंजम्पशन क्यों बढ़ा देते हैं? हमारे पास पैसों की मिकदार बढ़ गई है, पैसों की मिकदार जब बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो इसका मतलब है अब हमें वो पैसे, जैसे पहले हम बहुत सेव कर करके और बहुत कम खर्च करते होते थे, इसका मतलब है कि हमारे पास जब किसी चीज की किल्लत होती है उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है। जब कोई चीज फरावानी में होती है उसकी मिकदार बढ़ जाती है तो शायद उसकी इंपॉर्टेंस उतनी ज्यादा नहीं होती। अब हमारे पास पैसे ज्यादा मिकदार में, अब हमें खर्च करते हुए ज्यादा सोचना नहीं होता, और उस
उस पैसे की यूटिलिटी चीजों के बदले में, चीजों के कंपैरेटिवली कम है। एक गरीब इंसान के लिए मोबाइल फोन, उसे नॉर्मल मोबाइल फोन भी खरीद ले, उसकी तो जरूरत पूरी हो रही है। लेकिन एक अमीर इंसान जिसके पास पैसे वाफर मिकदार में है, वो आईफोन तो वो कहेगा मैंने तो खुद डब्बा उसका ओपन करना है। उसके लिए शायद मोबाइल फोन की यूटिलिटी ज्यादा होगी पैसों की निस्बत, तभी तो वो एग्री कर जाता है इतना कॉस्टली मोबाइल फोन बाय करने के लिए। तो बच्चे जब इनकम लेवल बढ़ जाता है, इनकम लेवल के बढ़ने के लिए बढ़ने से पैसों की चीजों की यूटिलिटी बढ़ जाती है एज कंपेयर टू अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है ना बच्चे। तो अब इस सिचुएशन में तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी अप्लाई नहीं हो पाएगा। आपने कंजम्पशन की हर अगले यूनिट पे आपकी यूटिलिटी कम होती जा रही है, बट अगर इनकम लेवल बढ़ गया, इनकम लेवल के बढ़ने से शायद अब कंजम्पशन से यूटिलिटी कम ना हो बल्कि यूटिलिटी बढ़ जाए। ये आपके साथ जब मैं लिमिटेशन डिस्कस करूंगा तो लिमिटेशन में भी एक पॉइंट इसके साथ रिलेटेड है कि कुछ केसेस के अंदर ये लॉ अप्लाई नहीं होता, ठीक है ना। तो कल जब मैं आपके साथ लिमिटेशंस डिस्कस करूंगा तो इंशाल्लाह ये पॉइंट आप लोगों को फर्दर क्लियर हो जाएगा, सही है जी बच्चे। चलें जी बच्चे। अच्छा बच्चे लास्ट वन पॉइंट है सब्स्टिट्यूट गुड्स। ये बिल्कुल वही इफेक्ट है जो सब्स्टिट्यूशन का इफेक्ट है, ठीक है ना। आपको याद होगा सब्स्टिट्यूशन का इफेक्ट, याद है? आप में से कोई बताना चाहेगा सब्स्टिट्यूशन का इफेक्ट क्या होता है? जब एक प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाती है, हमारी कोशिश होती है हम उसके किसी अल्टरनेटिव प्रोडक्ट को बाय करें जिसकी कीमत कम है, तो हम एक कमोडिटी को दूसरी कमोडिटी के साथ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो हम कहते हैं कि यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूट अल्टरनेटिव गुड्स का इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हो जाएगा। और जब आप चीज चेंज करेंगे, जैसे टी को कॉफी के साथ रिप्लेस करेंगे, तो यूटिलिटी कम तो नहीं होगी। आपने टी के 4 कप्स लिए या 3 कप्स लिए, उसके बाद आपने कॉफी का कप लिया, तो यूटिलिटी कम होने की बजाय हो सकता है यूटिलिटी बढ़ जाए। आप जूस पी रहे थे, आपने उसको सॉफ्ट ड्रिंक के साथ रिप्लेस कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, यूटिलिटी कम नहीं होगी, यूटिलिटी तो बढ़ जाएगी। तो इस सिचुएशन में लॉ ऑफ डिमांड तो अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो हम कह रहे हैं सब्स्टिट्यूशन का इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस में भी कोई चेंज ना आए तो ये लॉ तभी अप्लाई हो, ठीक है जी बच्चे। तो बच्चे यहां तक हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट पढ़ लिए। पास्ट पेपर का क्वेश्चन मैं आपके साथ रेफर करना चाह रहा हूँ। पास्ट पेपर के क्वेश्चंस को देखिएगा बच्चे, जो आपका होमवर्क भी बन जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बच्चे, क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन नोट करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर वन जी बच्चे, मैं अभी ग्रुप में आपको गूगल क्लासरूम आईडी सेंड कर दूंगा और उस पर मैं अपलोड भी कर दूंगा, ठीक है। जैसे ही मेरी क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी तब मैं अपलोड कर दूंगा। अभी मेरी क्लासेस होंगी, मेरी क्लासेस हैं अप्रोक्सीमेटली जोहर की नमाज तक, उसके बाद फिर मैं फ्री होके मैं अपलोड कर दूंगा। आप वहां पे टेस्ट सॉल्व करके, सॉल्व करने के बाद आपने उसकी पीडीएफ फाइल बनानी है और फिर उसको सबमिट कर देना, ठीक है जी बच्चे। जी टेस्ट शेड्यूल भी बनाना है, जी बिल्कुल टेस्ट शेड्यूल भी बनाना है जी बच्चे। मैं इंशाल्लाह एक आध दिन में टेस्ट शेड्यूल बना के आपके साथ शेयर कर। आज जो बच्चे मैं होमवर्क दे रहा हूँ ना आपको, कल इस होमवर्क का टेस्ट होगा आपका। क्वेश्चन नंबर वन नोट कर लिया आप लोगों ने, ये आपका होमवर्क है। स्टेट रिटेंशन का क्वेश्चन है, जी बच्चे क्वेश्चन नंबर एट नोट करते जाए। ये भी वही क्वेश्चन है, रिपीट हो रहा है। जी बच्चे ये दो क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन ही अच्छे से आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा। इन दोनों क्वेश्चन का कल टेस्ट होगा,
पहला क्वेश्चन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट और इसके एक्सप्लेनेशन विद द हेल्प ऑफ टेबल और डायग्राम, और सेकंड वन टॉपिक है बच्चे अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है जी बच्चे, अपना ख्याल रखिएगा बच्चे, मुझे दुआ में याद रखिएगा। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी।